Hello everyone. Today's my topic is form in HTML. HTML में forms क्या होते हैं, इसका कहाँ कहाँ use होता है and all. आज हम इसके बारे में समझेंगे. HTML forms basically ये होता है कि some site visitor से हमने data collect करना है with the help of forms. उसको हम forms बोलते हैं. इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यूजर रजिस्ट्रेशन, हम जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑनलाइन एडमिशन करते हैं, वो सब पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म्स. इसके साथ कुछ मेथड्स हैं, CGI, ASP स्क्रिप्ट और PHP स्क्रिप्ट ये काम करते हैं एंड ऑल. ये कुछ इसके एलिमेंट्स हैं. इसमें क्या क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं एंड ऑल. इसमें फर्स्ट में आता है टेक्स्ट, सेकंड में टेक्स्ट एरिया, थर्ड इसमें ईमेल भी आ जाते हैं, पासवर्ड, नंबर, मोबाइल नंबर्स, डेट, डेट ऑफ बर्थ, ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन्स. जैसे हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि मेरे पास व्हीकल है, कार है, पार्किंग के लिए, ड्रॉप डाउन उसमें आ जाते हैं. ठीक है, फाइल अपलोड करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जैसे किसी कंपनी में अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन काम में आता है. नेक्स्ट रेडियो बटन्स, कुछ सिलेक्ट करने के लिए कि ये मेरे पास है और ये मेरे पास नहीं है, कुछ सिलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन्स काम आते हैं. नेक्स्ट इसमें कुछ एक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं. जैसे बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस योर पास डाटा, जो बैकएंड पे आपने डाटा दिया है उसको पास करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए. इसमें बेसिकली दो टाइप्स के मेथड्स होते हैं, गेट टाइप एंड पोस्ट टाइप. यही द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, दो ही मेथड्स होते हैं. इसमें टारगेट्स होते हैं. टारगेट्स मीन्स आपको सपोज करो आप उसी पेज पे ही रह के अपना डाटा करना चाहते हो या कोई नेक्स्ट पेज पर, इसके लिए ये दो मेथड्स यूज होते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक एंड अंडरस्कोर सेल्फ. अंडरस्कोर ब्लैंक मीन्स आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे और ये सब प्रोसेस होगा नेक्स्ट पेज में जाकर. अंडरस्कोर सेल्फ मीन्स ये सब प्रोसेस होगा उसी पेज में रहकर. नेक्स्ट आता है, इसमें आता है इनपुट टाइप टेक्स्ट. ये बेसिकली यूज होता है टेक्स्ट के लिए, सिंगल लाइन इनपुट के लिए. इसका सिंटैक्स है ये वाला, इनपुट टाइप टेक्स्ट. जी इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नेम, एड्रेस, कुछ भी. बेसिकली ये यूज़ होता है सिंगल लाइन इनपुट के लिए, जिसमें हम अपना नेम वगैरह, नेम, कास्ट एंड ऑल लिखते हैं. ये इसकी एग्जांपल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. इसमें हम सिंगल टाइप इनपुट लेते हैं. नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया मीन्स मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड के लिए. फॉर एग्जाम्पल अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, यहाँ हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं और इसका सिंटेक्स ये आता है. इसमें हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए एंड और. बेसिकली ये यूज़ होता है अपने ओपिनियन के लिए, अपने एड्रेस बताने के लिए, क्योंकि वो मल्टी लाइन क्या होता है ना, इस करके. नेक्स्ट आ जाता है ईमेल. हम फॉर्म में बेसिकली ईमेल तो फिल करते हैं, तो ये ईमेल होता है कि अपने यूज़र को, यूज़र के लिए एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें वो अपनी ईमेल सेंड कर सकता है. ये इसका सिंटैक्स है, इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल एंड रिक्वायर्ड. इसमें अगर हम और कोई टेक्स्ट डालने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा. आगे आ जाता है पासवर्ड. पासवर्ड बेसिकली बहुत ही प्राइवेसी वाला कोड होता है. ये बेसिकली अगर हम इसमें फिल करेंगे, ये जहाँ एस्ट्रिक की फॉर्म में आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जब हम फिल करेंगे जहाँ डॉट की. इसका सिंटैक्स है इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड रिक्वायर्ड. इसमें हम कुछ भी फिल कर सकते हैं, मतलब ये भी नहीं कि ये URL में शो करेगा पासवर्ड, वहाँ भी नहीं शो करेगा. इसकी फॉर्म हो जाएगी एस्ट्रिक या डॉट.
क्योंकि कोई और यूजर इसको ना पढ़ सके। नेक्स्ट आ जाता है नंबर। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल. हमारा टॉपिक है फॉर्म. ठीक है, अब मेरे फ्रेंड ने जितना आपको बताया वो उसकी थोड़ी चीजें. अब मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर से. नंबर क्या है? नंबर एक यूजर को अपनी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज, चाहे कांटेक्ट हो गया या फिर अगर हम कोई और वेबसाइट बनाते हैं जिसमें क्वांटिटीज लिखते हैं वो देता है. इसमें वैल्यू रिस्ट्रिक्शन रखती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप यूज कर सकते हो. नंबर में ये है और इसका सिंटेक्स आपको दिखा हुआ है. फॉर्म, लेबल, कॉन्टेक्ट, इनपुट टाइप्स, नंबर एंड नेम आपने जो भी देना था वो. ठीक है, वैल्यू अगर आप इसके सामने इसकी वैल्यू लिख दोगे तो वैल्यू में पता चलता है नंबर डालना होता है आपने. वैल्यू में ये लगता है कि हम सिर्फ नंबर ही लिख सकते हैं, कोई अल्फाबेट वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं. लवजीत आगे करो. हेलो लव, डेट ऑफ बर्थ. डेट इसमें क्या है? इसमें जनरेट करता है फॉर्मेट डेट का. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि लगा होता है फॉर्मेट जहाँ पे साइड में बना है. इसमें ना कैलेंडर की टाइप आपको दिखता रहता है, जैसे आप नॉर्मली वे में देखते हो. उसमें आप पिक कर सकते हो या टाइप भी कर सकते हो. इसमें इसमें इंटरफेस होती है पिकिंग की. सबमिट, सबमिट बटन हमारा यूज होता है अगर आपने कोई फॉर्म किसी साइट से, आप किसी कॉलेज का फॉर्म भर रहे हो तो आपने सब कुछ फिल कर लिया, आपको सबमिट करना होता है. वो प्रोवाइड करता है कि यूजर अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे दे. ठीक है, रीसेट मतलब आपके अगर फॉर्म कहीं कहीं गलत भी हो जाते हैं कभी कभी, तो किसी किसी में होता है कि वो चेंज नहीं कर पाते हैं तो उसे रीसेट मारना पड़ता है फॉर्म को, इसलिए यूज होता है. और ये थोड़ा सा गलत है, लॉगिंग नहीं आएगा. यहाँ पे बटन होता है, हमारे सिर्फ तीन ही बटन होते हैं, एक सबमिट, रीसेट और एक बटन. आगे करते हैं. ये इनका सिंटेक्स है. फॉर्म, इनपुट टाइप, बटन, वैल्यू ओके. मैंने बटन की वैल्यू दे दी है ओके, तो वो बटन की शेप में ओके आ चुका है. फिर मैंने टाइप दी है सबमिट. ठीक है, टाइप सबमिट है, वैल्यू मेरी सबमिट है. फिर उसका इंटरफेस, रीसेट टाइप दी है और वैल्यू उसकी रीसेट है, उसका इंटरफेस. मतलब ओके बटन अगर हम एक किसी चीज में, अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं टेक्स्ट ऑफ एरिया, उसमें लिख दिया हमने सारा कुछ, तो हमें उसे ओके भी कर सकते हैं या सबमिट भी करा सकते हो किसी साइट वाले साइट को फीडबैक देने के लिए. अगली है फाइल अपलोड. हमने अपने टेस्ट अपलोड करते हैं जब हमें टीचर साइट भेजते हैं, हम उस साइट में अपलोड करते हैं ना, वो इस चीज में काम आता है टेक्स्ट, कि हमने अपनी कोई भी फाइल क्रिएट कर दी, टेस्ट लिख दिया और उसे पीडीएफ क्रिएट करके फिर हमने उन्हें सबमिट कर दिया. इसका सिंटेक्स है टेक्स्ट फाइल नेम फाइल, देन फिर हम अपनी फाइल चूज करते हैं फिर भेज देते हैं. आगे करो. अगली है रेडियो बटन. ये क्या करता है? रेडियो बटन चूज करने में हेल्प करता है कि हमें सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होता है, मल्टीपल हम रेडियो बटन में यूज नहीं कर सकते, एक टाइम पे ओनली एक बटन. ठीक है, अब मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, मैंने एग्जांपल लिया है जेंडर का. ठीक है, इसमें क्या है? टाइप रेडियो है और नेम R1 लिख दिया है, वैल्यू हमने मेन मेल की दी है. मतलब हमने जो वैल्यू देंगे वो ही रिप्रेजेंट करेगा वहां पे. फिर हमने नाम लिख दिया मेल. सर अगला हमें हमारा लास्ट चेक स्लाइड बटन. दोबारा रिपीट करना बेटा, रेडियो बटन्स वाली। रेडियो बटन में क्या है इसमें जस्ट ए हम? मिनट, इसमें टाइप एट्रीब्यूट है, एक एक नेम एट्रीब्यूट है और एक वैल्यू एट्रीब्यूट है, राइट? थ्री हम एट्रीब्यूट यस सर, तीनों का क्या यूज है?
मैम टाइप हमें बताता है कि हमने कौन सा यूज करना है, मतलब हमने रेडियो बटन यूज करना है, हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं या टेक्स्ट एरिया यूज कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि हम कौन सी वाली एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, फीड को यूज कर रहे हैं. वैल्यू एक वैल्यू हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हम वहां पर बनाएंगे क्या, मतलब अगर मैंने मेल लिखा है तो रिप्रेजेंट मेल करेगा, अगर मैं वहां पे कार लिख दूंगी वैल्यू की जगह तो वह कार ही रिप्रेजेंट करेगा. नेम हम कुछ भी अपनी तरफ से देते जाए कि हमें कुछ भी देना उसको. मैं फिर यहाँ पे हमें जो अपने टैग खत्म करने के बाद मेल लिखा है उसका कोई यूज है? अगर आपने वैल्यू में ही मेल लिख दिया तो यहाँ पे मेल लिखने की क्या जरूरत है? लवजीत अगर आपको आंसर पता है तो आप भी बोल सकते हो. मैम हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनाली. वैल्यू मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो उसी चीज को सिर्फ कैच करेगा. ओके अगर मैं यहाँ पे मेल ना लिखती, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं जहाँ पे मैंने साइड पे मेल लिखा है, अगर मैं वहाँ पे कार भी लिख दूं बट वो अपनी इन द वर्ब में मेल ही करेगा. ओके ठीक है हम आगे करूं? हाँ जी हाँ जी कंटिन्यू. हाँ चेक बॉक्स में ये है कि हम मल्टीपल चूज कर सकते हैं. अगर मुझे गेम भी करनी है और आर्ट भी करना है मैं दोनों कर सकता हूँ. अगर और भी चीजें हो सकती है डांसिंग वगैरह हम सब कर सकते हैं चेक बॉक्स में. चेक बॉक्स हमें सारी चीजें चॉइस करने के लिए दे सकता है और हम अनमार्क भी कर सकते हैं कि अगर मुझे ये नहीं पसंद है मैं इसको हटा भी सकता हूँ. पर हमारी जो पिछले वाली थी रेडियो बटन उसमें से हम एक करते थे, इसमें हम मल्टीपल कर सकते हैं. आगे कर अगला है हमारा सिलेक्शन. सिलेक्ट या फिर हम इसे कहेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट. ठीक है अब हमने देखा होगा हम जब भी फॉर्म्स वगैरह भरते हैं कॉलेज वगैरह के या हमने वैसे ही भरे हैं तो हमें सिटी अपनी चूज करने के लिए कहते हैं. सिटी कह सकते हैं या हमने कभी कभी डेट्स में भी देखे हैं कि मंथ साइड वाइज आते हैं या फिर डेट साइड वाइज आती है, हर चीज में आती है तो इसलिए ये यूज होता है कि हम सिटी सिलेक्ट कर सके या अपनी गेम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. ये किसी भी एग्जांपल के लिए यूज हो सकते हैं. इसमें एक से ज्यादा चीजें कैच की जाती हैं तो हम बहुत सारी मल्टीपल चीजें इसे सेव कर सकते हैं. इसमें इसकी सिलेक्ट नेम हमने कुछ भी रख सकते, मैंने सिटी रखा है कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है फिर हमने ऑप्शन पे क्लिक किया है. ऑप्शन हमने क्या रखी है? सिलेक्ट योर सिटी, मतलब तुमने अपनी सिटी शो होगा, वैसे भी यहाँ पे नहीं हो रहा पर वहाँ पे यही शो होगा पहले सिलेक्ट योर सिटी. फिर ऑप्शन मैंने स्टार्ट किए हैं कि क्या क्या मुझे रखने, कौन सी सिटी रखी हुई है. नेक्स्ट कर दे. थैंक यू. ओके और ये हमने एग्जांपल बनाई हुई है इसका साइड पे वो भी दिखा दे आउटलुक कोडिंग. हमने स्टार्ट किया था HTML. ठीक है आपको मेथड आगे बताएंगे जिनकी बारी है वो बताएंगे. ठीक है फील्ड साइड मैंने यूज की थी उसकी बाउंड्री के लिए. ठीक है और अलाइनमेंट आपको स्क्रीन लवजीत शेयर कर रहा है. लवजीत एक काम करो दोनों चीजें साइड बाय साइड ओपन करो, आउटपुट भी और इनपुट भी. ओके मैम. Thank you.
जी अब कंटिन्यू करो। फीड सेट हमने यूज किया इसकी बाउंड्री के लिए, ठीक है। अलाइन आपको दर्शन ने बताया होगा कि अलाइन इसलिए किया जाता है कि हम उसे सेंटर में रखना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट में करना चाहते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेजेंड का वर्ड है कि जो उसी के अंदर लिखा जाएगा, आप चाहे लेबर, हम लेबर भी यूज करते हैं लेजेंड। टेबल भी आपको उन्होंने बता दिया था, फिर हमने टेबल की फॉर्म में लिखा है टी, टेबल स्टार्ट किया है टी आर स्टार्ट किया है, फिर टी डी लिखा है नेम, उसे क्लोज कर दिया टैग को, अपना सिंटैक्स लगाया है दोबारा स्टार्ट करके, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम, हमारा टैग नेम लिखा है, नेम इज अ नेम, कुछ भी रख सकते हो आप, नेम की जगह कुछ भी रख सकते हैं। रिक्वायरमेंट लगाई है कि इसको फिल करना है तभी आपकी आगे सबमिट होगा। फिर हमने ईमेल दिया है उस वाले को क्लोज करके, फिर हमने ईमेल का स्टार्ट किया, ईमेल का हमने लिखा है टाइप ईमेल, नेम ईमेल एंड रिक्वायरमेंट है कि इसे आपको फिल करना है तो करना है। अगला पासवर्ड टाइप, पासवर्ड रखी है नेम एंड उसकी रिक्वायरमेंट आपको करनी है पूरी। आगे कर, फिर हमने उसे, हाँ, फिर हमने डेट डाली है, डेट की लुक ऐसी आती है, मैं आपको बताती हूँ। इनपुट टाइप डेट, हमारी टाइप पे डेट है, ठीक है। नेम हम कुछ भी डाल सकते हैं, डेट आपकी फॉर्म ये रही, ये डेट की फॉर्म होती है, ऐसे इस वे में लिख होगा। नंबर, नंबर में हमने टाइप कॉन्टेक्ट रखी है और नेम हमने फोन नंबर लिखा है, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम भी डाल सकते हैं कि आपको मैक्सिमम 10 नंबर, या फिर किसी के टेलीफोन होते हैं मैक्सिमम इतने नंबर उसमें होता है, ठीक है। फाइल अपलोड, फाइल अपलोड में हमने लिखा है टाइप, टाइप फाइल है और नेम हमने फाइल का लिखा है, रिक्वायरमेंट है, इन्हें दिखाना हो कैसे शो करता है, ये आपकी फाइल की आ जाएगी कि आपने कौन सी फाइल सेलेक्ट करनी होती है। फिर हमने रेडियो बटन लगाए हैं जेंडर के लिए, टाइप रेडियो, नेम कुछ भी, वैल्यू हमने मेल दी है तो मेल ही रहेगी, अगर हम यहाँ पर नाम भी चेंज करेंगे तब भी वो मेल ही मानेगा। टाइप रेडियो बटन और हमने फीमेल का ऐसे किया, सिलेक्ट एक ही हो सकता है। आगे हमने चेक बॉक्स, लवजीत ये तूने रेडियो बटन ही लगा दिए, ये मैम पार्किंग के लिए, फॉर एग्जांपल हमने वैसे ही देखा था कि पूछ रही है कि यहाँ पे रेडियो बटन लगा दिए है, यहाँ पे चेक बॉक्स लगाना था, नहीं मैम उसने अगले में लगा दिया। अगर अगर यहाँ पे रेडियो बटन लगा रहे हो, अच्छा एक चीज देखो, आप मेल को सिलेक्ट करो, लगे मेल पे सिलेक्ट करो, करो हाँ, तो अब आप कोई भी इनमें से जो आपने नीचे दिए आया है वैवाहिक आया है एक्टिव, उसे सिलेक्ट करो, मेल अपने आप ही सिलेक्ट होएगा, देखो। ओके क्यों हो रहा है इसके लिए, तो ओके रेडियो बटन और इसका बैक, हां जी मैम, हां जी कहां पे किया, यहां पे तो नहीं। हमने जो लैंग्वेज चूज करनी है वो हमने चेकबॉक्स में लगाई है, चेकबॉक्स में हम मल्टीपल को चूज कर सकते हैं, हम दोनों चूज करते हैं, टाइप हमारी चेकबॉक्स है और नेम हमारे अलग अलग है दोनों के रखे। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन, ठीक है। हमने सिलेक्शन रखा है, सेलेक्ट रखा है कोर्स का कि हमने कौन कौन से कोर्स लेने हैं, ये रहा, इस वे में रहते हैं ये कि आप एक कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे कर, आगे कर, आगे हमारे सबमिट एंड रीसेट, अगर हमने सबमिट करना है, लवजीत एक बार ना पूरा फॉर्म फिल कर ले, कुछ भी लिखते अपना नाम वैलिडेशन करके ना,
ये सबमिट हो जाता है, हमने अगला इंटरफेस नहीं बनाया, वरना आपको लिखता कि अगली स्लाइड आ गई है। अगर मैं इस चीज को लिख देती और रीसेट मार देती तो ये सारा हट जाता, ये इनवैलिड आ रहा है क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट लगाई थी कि आपको सारा फिल करना ही तो करना है। बस कर मैम, हो गया। डन मैम। थैंक यू, वेरी गुड शालिना। कोई डाउट है किसी को? एनीवन? नो मैम, नो नो मैम, नो नो। बच्चे मैंने तो बहुत डाउट है, तो अनु के डाउट सानू सारा कुछ अंदर। हेलो मैम। हां जी मैम, एक क्वेश्चन था जो इन्होंने नेम लिखा है उसमें, हर एक पार्ट में जो इन्होंने नेम डिफाइन किया है मैम, वो किस काम के लिए है? उसका तो कोई वर्क ही नहीं दिखा हमें। कौन से पार्ट में नेम डिफाइन किया है बताना थोड़ा सा मैम। ये जो HTML इनको को एक बार ओपन करे, रेडियो बटन के सारे नेम सेम दिखे। लवजीत शेयर करिए स्क्रीन द्वारा। हाँ जी बेटी, कितने हैं मैम? ये जो इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1 R2 जो इन्होंने दिया है उसका। हाँ जी, सेमिनार वाले बच्चे दो जी आंसर सुना ली जासदीप। मैम हेलो। हाँ जी हाँ जी, मैं ये सबमिट जो किया है वो सेव कहाँ पर हुआ? सेव अभी कहीं पे भी नहीं हुआ क्योंकि हमने उसकी कोडिंग नहीं की है, मैं सिर्फ वर्किंग सीखनी थी कि कैसे होती है वर्किंग इसकी। हाँ जी सर, अभी आप आंसर दे रहे थे अभी मैम। यस हाँ जी। हेलो विकी। यस यस, सुन रहा। हाँ देख, मैंने दिया है रेडियो, ठीक है, टाइप वो तो इनपुट टाइप हुआ ना, ठीक है। नेम मैंने अपने लिए लिया है कि मैं, अगर मैंने वहां जेंडर दिया है, मैं यहाँ पे जेंडर भी दे सकती हूँ। नहीं मतलब वो थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ये कहा कि ये नेम का क्या काम है इस जगह पे, अगर हम ना भी लगाएं फिर भी क्या प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि वो तो वैल्यू पिक कर लेगा वहां की। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। नवजीत, उसने ये नहीं पूछा कि अगर ना लगाए तो चलेगा? चलेगा वो फिर भी मैम, अभी तो पूछा उसने। अरे चलेगा, बट उसका यूज पूछ रहा है वो एक्चुअल में, कि उसका यूज क्या है, क्योंकि हमने तो वैल्यू दी है उसको, जो वैल्यू है वो कंफर्म करेगा ना कि वो मेल है फीमेल है, लेकिन नेम का तो कोई यूज नहीं हुआ ना, वो लगाया ही क्यों है फिर? नेम का यूज उसको एक डिफरेंट आईडी देने के लिए। उसको एक डिफरेंट आईडी देने के लिए। हाँ तो ऐसे बताओ ना कि हाँ नेम का यूज है डिफरेंट आईडी देने के लिए। हाँ जी, हूँ पता लग गया। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, टाइप है उसकी डिफाइन करने के लिए कि हमने कौन सा सिंबल यूज करना है, रेडियो बटन वाला सर्कल सिंबल यूज करना है, या फिर हमने बॉक्स टाइप सिंबल जो है, जो चेक बॉक्स होता है वो यूज करना है, ठीक है। नेम जो है वो डिफाइन करता है कि हमने कौन से वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करनी है, ताकि इन फ्यूचर जब मैं इस फॉर्म से इनपुट लेके कहीं पे स्टोर करना चाहूँ तो कौन से वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। वेरिएबल का नाम हो गया R1, चाहे वैल्यू मेल सेलेक्ट हो चाहे फीमेल, दोनों की वैल्यू R1 में ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने रेडियो बटन चूज किया है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू ही जाएगी, क्योंकि एक ही चीज चूज हो सकती है, ठीक है। लास्ट है वैल्यू, वैल्यू पार्ट डिफाइन करता है उसकी वेरिएबल की क्या वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल नेम हो गया R1, वेरिएबल वैल्यू हो गई मेल या फीमेल। यहाँ पे वेरिएबल कीवर्ड नहीं यूज किया, बाकी वर्किंग सारी सेम है, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। बट जो लास्ट में मेल और फीमेल M कैपिटल और F कैपिटल वाला लगाया है, उसका यूज क्या है कि हम यूजर को नहीं बताना चाहते। लेट्स इमेजिन मैंने यहाँ पे मेल फीमेल की वैल्यू ही लेनी थी,
बट मैं यूजर से मेल फीमेल की बजाय बॉय और गर्ल पूछ लूँ, बट मैंने अपनी साइट पे मेल फीमेल ही स्टोर करना है, ठीक है? उस केस में हम यूजर फ्रेंडली वर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मेल फीमेल किसी को नहीं पता, बॉय और गर्ल पता है, ठीक है, लड़का लड़की पता है, तो हम हिंदी में लड़का लड़की भी लिख सकते हैं यहाँ पे। बट हमें अपनी साइट पे बैकएंड पे तो वैल्यू इंग्लिश में स्टोर करनी है, सो वो वाली वैल्यू जो है वो हम वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करें। मैम ये तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया, क्या करते हो आप? कोई बात नहीं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन रह गया देख ले। वो मैम मुझसे पहले अभी तक नहीं, अभी और देखूंगा फिर बताऊंगा। ओके, एनीवन एल्स, किसी को कोई और डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इट मींस दे आर वेरी मच फैमिलियर टू फॉर्म्स, राइट? हेलो जी मैम, ये हमने जब HTML किया था उस समय, ये जो लेजेंड अलाइनिंग लेफ्ट राइट जो ये इन्होंने लिखा है, इसका मतलब क्या है? उसकी अलाइन करना, हम फॉर्म को लेफ्ट साइड रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, राइट साइड रख सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट सेट करना। सर जी, लेफ्ट की जगह तो ना सेंटर लिख के दिखा रहे हो, थोड़ा डिफरेंट पता लगेगा। एक सेकंड लवजीत की कह रहे हैं, फॉर्म कॉल दोबारा, कोडिंग कॉल। हाँ जी मैम, कोडिंग दे विच लीजेंड टैग खत्म किथे हो रहा है? सिर्फ लीजेंड मतलब आरईजी फॉर्म द अलाइनमेंट सेट हुई है, अगर फॉर्म ऊपर फील्ड सेट दे विच अलाइनमेंट लगाओगे तो सारी अलाइनमेंट चलेगी, अलाइन एट्रीब्यूट जेड़ा फील्ड सेट दे विच लगेगा। नहीं हुआ मैम, फील्ड सेट क्लोज कैसे किया? ओके, ये इसके बाद चल रही स्टार्ट हुआ, लाइट लाया, एक सेकंड वेट करना। सारे ने इनफॉर्म, ठीक है, हाँ जी कंटिन्यू। एक और काम करना पैना लगे, फील्ड सेट डिफाइन की कर रहे हैं कि पूरी दी पूरी बाउंड्री आउटपुट देख। ओके फील्ड सेट दी बाउंड्री को करके और ये बाउंड्री या तो सेट करो विथ अभी करके विथ दी एट्रीब्यूट दे के एंड क्लास वन इंफॉर्मेशन फॉर यू, इस तो बाद कोई लेक्चर नहीं लगना थोड़ा, ठीक है? गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। जाग रहे हो सारे के सो गए? यस मैम, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं मैडम। कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, आई थिंक सो गए हैं। मैंने गुड मॉर्निंग करके विश करके उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं मैम, मैडम समझ रहे थे, सभी ने चैट बॉक्स में लिखा है। क्लास क्यों नहीं लग रहे आपके? क्लास क्यों नहीं लग रही? जस्ट बिकॉज़ ड्यूटीज है, एग्जामिनेशन दे विच, इवन मैं भी ड्यूटी पे ही हूं ऑलरेडी, जस्ट थोड़ी देर के अंदर आई हूं, सेमिनार प्लान नहीं होगी। ओके, सारे डिटेल्स ही एग्जामिनेशन ड्यूटी है। अगर फिर भी किसी तो चाहते हो पढ़ना है तो तुम आपस के बीच मीटिंग करके सेमिनार कंटिन्यू कर सकते हो अपना, ठीक है? मैम वही अभी कर रहे हैं वो। ओके,
मैम लवजी हटाना ही साइड करना साइड कर अपनी स्लाइड मैं स्क्रीन शेयर कर मैं वो कर okay, अपनी स्क्रीन स्टॉप शेयर कर देना दिस स्टॉप शेयर ओके 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 डन मैम डन हरप्रीत बेटा एग्जामिनेशन आज ही लास्ट है रेगुलर उसके बाद लेक्चर्स तो रेगुलर लगे रहेंगे डोंट वरी एंड हां ये दिख रहा है किसी को नहीं दिस नॉली शेयर जस्ट अ मिनट नॉली नहीं विजिबल नहीं विजिबल थोड़ा जहा अगर कर दिया जाए तो बेटर है विजिबल है ये सेंटर पे आ गया अगर इसकी कोडिंग देखनी है मैं दिखा देती हूँ थोड़ा जा फोकस ब्राइटनेस बताओ स्क्रीन दी लैपटॉप दी स्क्रीन दी हाँ फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करो नोटपैड का कंट्रोल प्लस की दे नाल थोड़ा जा और हाँ ठीक है विजिबल है डन है मैम ठीक है और कोई डाउट रह गया विक्की नो मैम